ऐसा मत होना मुझसे कभी। अब बेहतर हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी कॉल आ रही है। ऐसे मत देखो, तुम्हारा ही फोन है। उठा, उठो, बात करो। मुझे देखने दो, मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो इसीलिए मदद करने आ गई, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत लगा। ठीक है, मगर तुम उठा तो उसे देखो कौन कर रहा है फोन। उठाओ जल्दी, जल्दी जल्दी। हेलो सईद, हेलो सईद, क्या सुन रहे हो? हेलो सईद, बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। हेलो सईद, तुम कहाँ पर हो? मैंने आदिल भाई से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि तुम घर नहीं गए। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है सईद। सईद बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? सईद कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। कर दो बंद। काट दिया फोन, लेकिन क्यों? कहाँ हो सईद, कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? बताने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास। और ये वही लड़की थी ना जोहरा? जाकिर इसे हर जगह तलाश कर रहा है, उसकी बस आवाज सुनना चाहते थे ना? सब समझती हूँ मैं, और ये भी समझती हूँ कि उससे बात क्यों नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो परेशान हो। बेबस हूं मैं, तुम कुछ नहीं जानते। तुम उसे ये नहीं बताना चाहते ना कि तुम जाकिर के कब्जे में हो? यही बात है ना, क्योंकि तुम्हें खुद से ज्यादा उसकी जान की फिक्र है। वाह भाई, इश्क हो तो ऐसा। जानते हो कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या करती? अब तक हार मान चुकी होती मैं, क्योंकि इश्क का दर्द जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जिंदगी तुम्हारे दम से है। तुमने मुझे जीना सिखाया, तुम नहीं तो मैं नहीं। बेशक तुम दूर हो मुझसे, मगर धड़कनों के पास रहोगे हमेशा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सही